तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्राइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे योनो SBI एप्लीकेशन, लगभग जो SBI के कस्टमर हैं 30-40% लोग योनो SBI जो ऐप है इसको यूज ऑफिशियली कर रहे हैं, लेकिन भूलना मानवीय नेचर है, सब लोग कुछ ना कुछ मतलब जो भी रहता है भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें योनो SBI ऐप की, तो यूजर नेम और पासवर्ड दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ध्यान से उतर जाता है, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आप पासवर्ड भूले हैं तो कैसे रिकवर कर पाएंगे अपने योनो SBI ऐप का, क्योंकि अगर योनो SBI की एप्लीकेशन आप ओपन करोगे उसमें कहीं भी मतलब फॉरगेट करने का रिकवर करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको बताता हूँ। तो उसके थ्रू मैं ये भी बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि अगर आप अपने SBI योनो ऐप की यूजर नेम खो चुके हैं, भूल चुके हैं, तो कैसे रिकवर करेंगे, बहुत ही आसान स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपके मतलब यहाँ पे आप अपना यूजर नेम भूल चुके हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आप अपना यूजर नेम प्राप्त कर लीजिएगा, तभी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। आइए चलिए कमाल वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल सके। आइए चलिए कमाल वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने क्रोम ब्राउजर में चलना होगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके और यहाँ से डेस्कटॉप साइट कर लेना होगा। ऐसे जैसा ही करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा HTTP, और मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना ऊपर देख सकते हैं http://www.sbiyono.sbi, यही लिख के आपको सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करेंगे ना, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। मेरा नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे ऑफ है, इसको मैं ऑन करूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने अपना नेट कनेक्शन ऑन किया और फिर से यहाँ पे मैं इस साइट पे जाता हूँ। आइए पूरी बातें आपको यहाँ पे समझाऊँगा, पूरे धैर्य से वीडियो को देखिएगा, सारा डाउट आपका यहाँ पे आज क्लियर हो जाने वाला है। दोस्तों आपको बताऊँ यहाँ पे कि यहाँ पे दरअसल होता क्या, स्टार्टिंग में हम यूजर नेम पासवर्ड तो बना लेते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे प्रॉब्लम हमको हो जाती है। तो इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ना लॉगिन SBI योनो, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, इस साइट का ऑफिशियल पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आइए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, साइट लोडिंग लेगी क्योंकि SBI की ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा बस इंतज़ार करेंगे और आपको मैं यूजर नेम यहाँ पे प्राप्त करके दिखाऊंगा पूरा लाइव। अब देख सकते हैं अगर ऐप में आप जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ना फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है ना फॉरगेट यूजर नेम का। तो हमें यूजर नेम चाहिए तो फॉरगेट यूजर नेम पे हमको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रबल लॉगिंग इन फॉरगेट पासवर्ड, योर सीजन हैज एक्सपायर्ड बता रहा है। फिर से दोबारा से ट्राई करेंगे फॉरगेट यूजर नेम, देख सकते हैं मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मेरा CIF नंबर जो मेरे पासबुक पे है, मेरा कंट्री सेलेक्ट करना है जो मेरी इंडिया कंट्री है, मैं यहाँ से अपना इंडिया कंट्री ले लूँगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ और डेटा आपको भरना है, आइए मैं बताता हूँ क्या क्या भरना है। मैं यहाँ से इंडिया ले लूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से शायद फर्स्ट पे ही है, हाँ फर्स्ट पे है, ठीक। CIF नंबर यहाँ देना होगा, इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक है ना, वो वाला देना होगा। और यहाँ पे कैप्चा भरना है, यानी जो फोटो में दिख रहा है वो भरना होगा। ये सब भर के सबमिट करना होगा, फिर आगे का कुछ इंटरफेस आएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फिल करके आगे बढ़ता हूँ। मैंने अपना पूरा डेटा यहाँ पर फिल कर लिया, सबमिट वाले बटन पर मैंने क्लिक। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा कुछ यहाँ पे इंटर कर दिया। अब कह रहा है कि मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP हमको फिल करना होगा। आइए मैं OTP देखता हूँ क्या आया है, वो मैं फिल कर देता हूँ। तो आइए मैं OTP यहाँ से फिल करता हूँ। OTP भरने के बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और हमको जो मेरा यहाँ पे पासवर्ड है, हमको यहाँ पे जो मेरा यूजर नेम है, हमको SMS के थ्रू मिल जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे सीजन एक्सपायर्ड इसलिए लिख रहा है कि ये जो साइट है 10 बजे से और शाम 7 बजे तक वर्क करती है। यहाँ पे देख सकते हैं 7:13 हो चुका है, इसलिए यहाँ पे रात के काम नहीं कर रही। आपको दिन में ट्राई करेंगे पूरा एकदम बिल्कुल यही प्रोसेस है, आप इस तरह से कर पाएंगे, अपना जो यूजर नेम है प्राप्त कर पाएंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।